नमस्कार स्टूडेंट्स, डीएस एजुकेटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको हमेशा की तरह ही जो राज्य सरकार के शिक्षा से संबंधित, खास तौर पे कॉलेज शिक्षा से संबंधित जो डिसीजन होते हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। और बहुत से स्टूडेंट्स जो प्रथम वर्ष के एडमिशन की प्रक्रिया थी उसके बारे में पूछना चाह रहे थे, तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही हमारे 12वीं के रिजल्ट आए हैं तो 12th क्लास के सभी रिजल्ट अभी आ गए हैं, चाहे आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों फैकल्टीज़ के। तो जो प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया है उसकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो जल्दी शुरू होने वाली है। बहुत से स्टूडेंट इसके बारे में पूछना चाह रहे थे, तो मैं इसको बताने से पहले आपको बता दूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनसे ये मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इसको शेयर कर देना अपने साथियों के साथ, जिससे कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो इसका लाभ उठा सकें और सबको जानकारी मिल सके। और मैं राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा जो है उसमें प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का स्वागत करना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि आप अधिकतर संख्या में हमारे यहाँ फॉर्म अप्लाई करें। गर्ल्स एजुकेशन में राजकीय कला कन्या महाविद्यालय का हाड़ौती संभाग में नहीं, पूरे राजस्थान में बहुत अच्छा स्थान है और आप लोग इसमें प्रवेश लें और उच्च शिक्षा का अवसर हमें भी प्रदान करें, जिससे कि हम लोग आपको गाइड कर पाएँ। और मैं अब आपको इसके पूरे कार्यक्रम के बारे में बता दूंगा, लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट हैं उनसे कहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना अपने साथियों के साथ, और जिसके माध्यम से कि अधिकतर विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो पाएँ। तो मैं जो पूरी स्ट्रीम है उसको आपको बता देता हूँ कि क्या है। तो ऑनलाइन फॉरम जो प्रवेश पत्र हैं जो है वो कब से शुरू हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि ऑनलाइन जो प्रवेश कार्यक्रम है प्रथम वर्ष का, ध्यान रहे ये बीए का भी है, बीएससी का भी है और बीकॉम का भी है, यानी तीनों क्लासों का जो प्रथम वर्ष का प्रवेश प्रक्रिया है वो अभी शुरू होने वाली है। तो इसलिए आप लोग अलग अलग नहीं पूछें, ध्यान रखें। ऑनलाइन आवेदन जो पत्र हैं वो भरना प्रारंभ कब से होंगे, तो ये 28 जुलाई से शुरू होंगे, मंगलवार से। आप लोग नोट कर ले तिथियों को, मंगलवार 28 जुलाई से प्रारंभ होंगे और आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो 11 अगस्त है। तो ये जो प्रक्रिया है वो तकरीबन आप यहाँ पर देख पाओगे कि लगभग 15 दिन के आसपास चल रही है ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया। और इसके बाद कॉलेजों द्वारा जो ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि है वो 14 अगस्त है। ये आपके काम की तिथि नहीं है, ये हमारे काम की तिथि है कि आपका जो है ऑनलाइन सत्यापन है वो कब तक होगा। आपके काम की जो तिथि है वो दो हैं, 28 जुलाई से लेकर के और 11 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और जो पहली वरीयता सूची है वो 17 अगस्त को जारी की जाएगी, तो 17 अगस्त भी आपके लिए बेहद ज़रूरी डेट है। 17 अगस्त को आपकी पहली सूची है वो आ जाएगी। इसके बाद आप ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी जो है सूचना है ये भी और ज़रूरी डेट है। आप यहाँ पर देख पाओगे कि अंतिम वरीयता सूची और वेटिंग लिस्ट दोनों का जो प्रकाशन है वो 17 अगस्त को हो रहा है और फीस जमा कराने की जो तिथि है वो 22 अगस्त है। तो यहाँ पर आपको महज 5 दिन सरकार ने दिए हैं, इस दौरान आपको यहाँ पर फीस जमा करानी है। इसके बाद आप देखोगे कि जो प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रमुख जो प्रथम सूची है उसका प्रकाशन, यानी जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है और उन्होंने फीस भी जमा करा दी है उसका, उसकी सूची का प्रकाशन है जो 25 अगस्त को हो जाएगा, 25 अगस्त को। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो सब्जेक्ट एलोकेशन का काम है वो इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 27 अगस्त तक चलेगा। और जो क्लासेज शुरू होनी है वो 29 अगस्त से शुरू होना प्रस्तावित है आयुक्तालय के आदेश के हिसाब से। तो कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने अपना जो टाइम टेबल डाला है वहाँ पर आप ये तिथियों को नोट कर लें। 28 तारीख से प्रवेश शुरू होंगे, 11 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, 14 अगस्त तक उनका सत्यापन होगा और 17 तारीख को आपकी प्रथम सूची आएगी और 22 अगस्त तक आपकी जो फीस है वो जमा होगी। और ये जो डेट है आप हमेशा ये मान के नहीं चलें कि ये खिसकेगी, संभावित ये रहता है कि यह तिथि कुछ बहुत कम खिसकती है और अमूमन समय पर ही ये प्रवेश प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। यदि किसी कारणों से किसी विषय में या किसी क्लास में सीटें खाली रहती हैं, रिक्त रहती हैं,
तो उसके लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि फॉर्म भरना पुनः प्रारंभ होंगे। हालांकि राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ सीटें प्रथम चरण में ही फिल हो जाती हैं लगभग लगभग सभी कैटेगरीज की, क्योंकि फॉर्म की संख्या काफ़ी अच्छी होती है। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये 26 अगस्त के बाद इसकी ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो 1 सितंबर तक चलेगी, और सूची का प्रकाशन है वो 3 सितंबर को हो जाएगा, और 7 सितंबर तक आप लोग फीस जमा करा पाओगे, और 8 सितंबर तक आप लोग इस प्रवेश प्रक्रिया को पूरा कर लोगे, और इसके बाद जो विद्यार्थी हैं उनको सेक्शन और सब्जेक्ट एलोकेशन का कार्य है वो 9 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। तो ये पूरी आप एडवाइजरी को यहाँ पर देखोगे, आयुक्त हमारे जो कमिश्नर महोदय हैं श्री संदेश नायक जी IAS निदेशक कॉलेज शिक्षा, उनके हस्ताक्षर से ये लेटर जारी हुआ है। और आप यहाँ पर एक चीज़ और देख पाओगे कि COVID-19 के मद्देनज़र राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो एडवाइजरी है उसके अकॉर्डिंग जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के जांच की जो बात की जा रही है उसके बारे में ये कहा गया है कि जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी उसके बाद आपके दस्तावेज़ों का सत्यापन कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभ में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन ही होंगे और ऑनलाइन के हिसाब से ही एडमिशन आपका होगा। तो इन तिथियों का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, मैं पुनः दोहरा देता हूँ इन तिथियों को। ख़ासतौर पे 28 तारीख ध्यान रखें आप लोग, और इसके बाद 14 अगस्त ध्यान रखें, 17 तारीख ध्यान रखें और 22 तारीख ध्यान रखें। हमारे काम की जो मेन तिथि है वो 11 अगस्त है, एक तो क्योंकि ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, इससे पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन या अपने बच्चे जो भी आपके हैं। और इसके अतिरिक्त 22 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, इसके बाद आपकी फ़ीस जमा नहीं हो पाएगी, इसलिए इससे पहले आप फ़ीस भर दें। तो ये जो अंतिम तिथि होती है इनका बहुत महत्व होता है, इनसे पूर्व आपको अपनी प्रक्रिया कंप्लीट करनी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं कि राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, कला कन्या महाविद्यालय कोटा में आपको प्रवेश यदि लेना है, ख़ासतौर पे गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए ही ये कॉलेज है आर्ट्स विषय में, तो आपको फॉर्म भरते टाइम पे ये ध्यान रखना है कि इस महाविद्यालय में प्रवेश लेने के से पूर्व आप कॉलेज का नाम अच्छे से चेक कर लें। कई बार लड़कियां हैं वो बॉयज़ कॉलेज में फॉर्म भर देती हैं तो उनको बाद में फ़ीस जमा कराने में दिक्कत आती है, बहुत सोच समझ कर आप लोग आवेदन करें। और अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, खासतौर पे फ़ोन नंबर आप अपने या अपने पेरेंट्स के दें, मित्र वालों के नहीं दें, ये बेहद ज़रूरी सूचना है। और इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी सूचना की ज़रूरत हो तो मैं आपको बता दूं कि GAGCK का एक टेलीग्राम ग्रुप है, GAGCK ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग डाउनलोड कर लें इसको और इसके ऊपर आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चंस अपने कि क्या प्रोसेस रहेगी। और जो मोड ऑफ, इसके अतिरिक्त आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मोड ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो यूट्यूब के अतिरिक्त टेलीग्राम ही रहेगा, व्हाट्सएप पर ये सूचनाएं एडमिशन से संबंधित नहीं दी जाएगी इस बार, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ें। और कोविड-19 के इस दौर में खुद को सुरक्षित रखते हुए फर्स्ट ईयर का प्रवेश कंप्लीट करने में सरकार की और कॉलेज प्रशासन की सहायता करें। थैंक यू सो मच।